दिल्ली नगर निगम दिल्ली वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है, जहां लोगों को यह पता नहीं चलता कि कब उनके घर को तोड़ दिया जाएगा और कब उनकी दुकानों और व्यवसायों पर ताला लगा दिया जाएगा। कुछ इसी खौफ से दो चार हुआ दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में रहने वाला एक परिवार, जिसको बिना बताए बिना नोटिस दिए निगम कर्मियों ने घर पर अचानक धावा बोल दिया, घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते तब तक चार मंजिला मकान की छतें जमीन दोज हो चुकी थी। घर वालों ने जब तक पूछताछ शुरू की तो आशिया टूट चुका था। पीड़ित परिवार ने स्थानीय निगम पार्षद से भी इसकी गुहार लगाई, लेकिन पार्षद ने भी परिवार की तरफ से उन्हें भी जानकारी न होने की बात कही। ऐसे में पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के ही उनके मकान को तोड़ दिया गया। यह सब उनके पड़ोसियों द्वारा करवाया गया है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसा है कि ये दोनों पड़ोसी में लड़ाई की वजह से कोर्ट में पड़ोसी ने केस डाला और ये हमें जानकारी में था। हम बोले कि दोनों समझौता कर लो, लेकिन आज जो जेई यहाँ पर आया हमारे नॉलेज में था नहीं, और हमारे हस्बैंड पार्षद है। तो अभी तोड़ने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर उन्होंने आके तोड़ा है, लेकिन ये कोर्ट का मैटर है। हो सकता है जेई को जवाब देना पड़ा, जवाब देने की वजह से आया, तो इसका जवाब तो जेई देगा। हम तो जनता के साथ है, हम तो इनके साथ है। फिलहाल दिल्ली नगर निगम का पूरी दिल्ली में यही हाल है। जहां पहले अवैध कॉलोनियों में मकान बनते समय पैसे वसूल कर मकान बनवाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अवैध दुकानों के लिए पैसे लिए भी जाते हैं और बाद में शिकायतों और कोर्ट के जरिए आदेशों के बाद उन्हीं मकानों पर हथौड़े भी चलवाए जाते हैं, जो सीधा तौर पर नगर निगम की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ओपी शुक्ला, टोटल न्यूज़, दिल्ली।